हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट वन की जूलॉजी की क्लास लेंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट इन कंटिन्यूशन चलेगा, जहाँ पे हम अभी फाइलम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका वर्गीकरण देख रहे हैं। और आज हमारा फाइलम है एस्कलमिंथीज। एस्कलमिंथीज सीडोसिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, अनसेगमेंटेड वर्मीफॉर्म और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन विद कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाए जाते हैं। इनके अगर हम सामान्य लक्षण देखें या इनके जनरल कैरेक्टर्स को देखें तो ये निम्न प्रकार हैं। हैबिटेट, ये ज़्यादातर मरीन या फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। इनमें हैबिट देखें तो ये एंटोपैरासाइट्स होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। सीलोम, इनमें स्यूडो सीलोमेट होते हैं, इसका मतलब इनमें कैविटी पाई जाती है जिसको स्यूडो सील कहते हैं, जो गटर बॉडी वॉल के बीच में पाई जाती है। सिमेट्री बायलेटरल होती है। जर्म लेयर्स में देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के प्राणी होते हैं। ये नॉन सेगमेंटेड राउंड वर्म्स होते हैं। इनकी बॉडी क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड रहती है। पाचन तंत्र बिल्कुल सिंपल प्रकार का होता है, जिसमें माउथ पे हुक्स और चूषक पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, और जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोटोनेफ्रिडिया और कैनाल्स पाए जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये या तो यूनिसेक्सुअल होते हैं या डायशियस एनिमल्स होते हैं। रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो गैमेटिक फ्यूजन के द्वारा होता है, और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एस्कलमिंथीज देखें तो ये फाइलम हेटरोजेनस असेंबलेज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स है, इसलिए इसको अलग अलग तरह से अलग अलग जूलॉजिस्ट ने क्लासिफाई किया है। ये जो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो एलएच हाइमन ने 1951 में दिया था, उसी को मॉडिफाइड करके हम यहाँ पढ़ रहे हैं। परंतु स्टोरर और ग्यूजिंजर ने इसको अलग अलग क्लासेस में दिया, और जो जितनी इन्होंने डिफरेंट क्लासेस दी थी एस्कलमिंथीज की, उनको एक सेपरेट फाइला बना दिया, और जो एस्कलमिंथीज खुद एक फाइला था उसको हम उन्होंने सुपर फाइलम का नाम दे दिया। So, अभी हम एलएच हाइमन के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए इसकी डिफरेंट क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ एस्कलमिंथीज। सबसे पहले आती है क्लास वन, नीमेटोडा। नीमे मींस थ्रेड, थ्रेड लाइक फॉर्म्स होते हैं। ये ग्रीक वर्ड है नीमा इडस। इसमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग या पैरासिटिक एलोंगेटेड राउंड वर्म्स आते हैं। बॉडी वॉल क्यूटिकल के द्वारा ढकी होती है, और सेलुलर या सिंसिशियल एपिडर्मिस होती है, एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फोर बैंड्स में पाई जाती हैं। कोई सीलिया, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है, जिसमें मस्कुलर फेरिंग्स और ग्लैंड्स होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ग्लैंडुलर ऑर्गन्स या कैनाल्स या दोनों का बना होता है। ये डाइशियस होते हैं, मेल स्मॉलर होते हैं फीमेल से, और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है। इसको अभी हम देखें तो हमने यहाँ पे इसको 13 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला ऑर्डर है एनप्लॉइडिया, जिसमें क्यूटिकल रिंग्ड नहीं होती है, ऑफन क्यूटिकुलर ब्रिसल्स के साथ होती है, जिसका एग्जाम्पल है एनोप्लस। दूसरा ऑर्डर है डोरिलेनमोइडिया, इसमें क्यूटिकल स्मूथ होती है और ब्रिसल्स के बगैर होती है, और इसका एग्जाम्पल है डोरिलेमियस। तीसरा ऑर्डर है मर्मिथोइडिया, इसमें स्मूथ फिलीफॉर्म निमेटोड्स होते हैं, पैरासिटिक इन इनवर्टिब्रेट्स इन जुवेनाइल स्टेजेस और फ्री लिविंग एज एडल्ट्स इन सॉइल और वाटर, इसका एग्जाम्पल है मर्मिस। फिर आता है क्रोमोडोरोइडिया, ये एक्वेटिक निमेटोड्स होते हैं, जिसमें स्मूथ या रिंक्ड क्यूटिकल पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल है पैरासाइथोलेमियस। फिर आता है पांचवा ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं एरियोलिनेमोइडिया, इसमें क्यूटिकल स्मूथ होती है और समटाइम्स
ब्रिसल्स के साथ होती है, इसका एग्जाम्पल है प्लेक्टस। फिर छठा ऑर्डर आता है मॉनहिस्टेरॉइडिया। इस मॉनहिस्टेरॉइडिया में क्यूटिकल स्मूथ होती है, यह स्लाइटली रिंग्ड होती है और ऑफन ब्रिसल्स के साथ पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल है सिलिंड्रोलेमियस। फिर आया सातवा ऑर्डर है डेस्मोस्कैलिलोइडिया, इसका एग्जाम्पल है डेस्मोस्कॉलेक्स। इसके अंदर क्यूटिकल हैविली रिंग्ड होती है जिसमें प्रोमिनेंट ब्रिसल्स थ्रू आउट या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाया जाता है। आठवां ऑर्डर है रेप्टियोइडिया, इस रेप्टियोइडिया में फ्री लिविंग या पैरासिटिक नेमेटोड्स होते हैं जिसमें रिंग्ड या स्मूथ क्यूटिकल पाई जाती है और एग्जाम्पल है रेप्टाइटिस। फिर नाइन्थ ऑर्डर है रेप्टियोसॉइडिया, इसमें स्मूथ नेमेटोड्स होते हैं बट वो विदाउट डेफिनेट फेरेंजियल बल्ब के होते हैं, इसका एग्जाम्पल है रेप्टियास। देन इसके बाद आता है ऑक्सीरोइडिया। ऑक्सीरोइडिया में फेरिंग्स पोस्टीरियर बल्ब के साथ होती है और यूजुअली वेल्व्यूलेटेड होती है और इसकी जो फीमेल्स होती हैं इनमें लॉन्ग पॉइंटेड टेल पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल है ऑक्सियोरिस। फिर आता है 11th ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं एस्केरॉइडिया, इसमें माउथ तीन प्रोमिनेंट लिप्स के द्वारा सराउंडेड रहता है और फेरिंग्स में पोस्टीरियर बल्ब नहीं पाया जाता है और अगर पाया भी जाता है तो वो वेल्व्यूलेटेड नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल है स्कैरिस। फिर आता है 12वां ऑर्डर जिसको हमने नाम दिया ड्रैकिनक्यूलोइडिया, इस ड्रैकिनक्यूलोइडिया में विदाउट डेफिनेट लिप्स या क्यूटिकुलराइज्ड बकल कैप्सूल पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल है ड्रैकिनक्यूलस। 13वां ऑर्डर है फिलेरॉइडिया, ये जो फिलेरॉइडिया है इसमें फिलीफॉर्म वर्म्स कृमि पाए जाते हैं जिनमें लिप्स नहीं होते हैं और बकल कैप्सूल छोटा या रूडिमेंट्री होता है, इसमें फेरिंग्स स्पायरियोइडिया फेरेंजियल बल्ब वांटिंग होता है, इसका एग्जाम्पल है व्यूचीरिया। अब आता है सेकेंड क्लास जिसको नाम दिया नेमेटोमॉर्फा। नेमेटोमॉर्फा ग्रीक वर्ड है जो नीमा मीन्स थ्रेड और मॉर्फे मीन्स शेप, यानी कि जो धागे नुमा दिखाई देते हैं हेयर वर्म्स होते हैं उनको हम नेमेटोमॉर्फा में रखते हैं। नेमेटोमॉर्फा में हेयर वर्म्स हैं जो कि स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, बॉडी अधिकतर इनकी लॉन्ग होती है, थिन स्लेंडर और वर्म लाइक होती है, बॉडी वॉल इनकी थिक क्यूटिकल की बनी हुई होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, स्यूडोसील मोस्टली फिल्ड होती है पैरेन्काइमा के द्वारा और सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसको हमने दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया, पहला ऑर्डर है कॉर्डियोइडिया, कॉर्डियोइडिया जिसमें स्विमिंग ब्रिसल्स नहीं होते हैं, इसका एग्जाम्पल है पैरागॉर्जियस, ये रहे गॉर्जियस और पैरागॉर्जियस। दूसरा है नेक्टोनेमेटोइडिया, इस नेक्टोनेमेटोइडिया में स्विमिंग ब्रिसल्स जो होते हैं वो दो रोज के अंदर अरेंज्ड होते हैं और इनकी स्यूडोसील अनफिल्ड होती है, इसका एग्जाम्पल है नेक्टोनेमा। फिर आता है तीसरा क्लास जिसको रोटिफेरा कहते हैं, ये भी एक लैटिन शब्द से लिया गया, रोटा मींस व्हील और फेर मींस टू पेयर, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो पॉन्ड्स में लेक्स में और स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं, इनको व्हील बियरर्स के नाम से जानते हैं, इनकी बॉडी वॉल थिक होती है और प्लेट्स और लॉरिका में होती है, इंटीरियर एंड सीलिएटेड कोरोना का बना होता है, पोस्ट एनल फुट टोस पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में फीडिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनको हमने तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया, पहला ऑर्डर है सिसोनेशिया, सिसोनेशिया का एग्जाम्पल है सीसेन जिसमें बॉडी इलोंगेटेड होती है विथ लॉन्ग नेक। दूसरा ऑर्डर है डेलोइडिया, इस डेलोइडिया में कोरोना यूजुअली विद टू ट्रोकल डिस्क होता है और पीडल ग्लैंड्स मोर देन टू होती हैं, इनके जो मेल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और फीमेल्स पेयर्ड
जर्मोविटेरिया होती हैं। इसका एग्जाम्पल है रोटीफेरा। फिर तीसरा ऑर्डर है मोनोगोनेटिया। मोनोगोनेटिया में स्विमिंग सेसाइल फॉर्म्स पाए जाते हैं। मेल्स छोटे होते हैं या डिजेनरेट हो जाते हैं। मेल्स में यूजुअली एक टेस्टिस पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है माइटीलिन। अब आता है फोर्थ क्लास, जिसको गैस्ट्रोट्राइका कहते हैं। ये भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया। गैस्टर मींस स्टमक और ट्राइकस मींस हेयर। ये माइक्रोस्कोपिक मरीन और फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं। इनकी बॉडी वॉल क्यूटिकल की होती है, जिसमें छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं, और इनका पोस्टीरियर एंड जो होता है वो फोर्क्ड होता है, फोर्क नुमा दिखाई देता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो प्रोटोनेफ्रिटिया पाए जाते हैं। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इनको भी हमने दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर है मैक्रोडिसाइडिया। इस मैक्रोडिसाइडिया में मरीन फॉर्म होते हैं, वर्म लाइक फॉर्म्स होते हैं, और इनमें एडहेसिव ट्यूब्स पाई जाती है। बहुत सारी एडहेसिव ट्यूब्स पाई जाती हैं, एग्जाम्पल मैक्रोडेसिस। फिर सेकेंड ऑर्डर है कीटोनोटाइडिया। इस कीटोनोटाइडिया में मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं, जो कि वेजिटेशन पे पाए जाते हैं। एडहेसिव ट्यूब्स टेल पे पाई जाती हैं, और प्रोटोनेफ्रिडिया का एक पेयर पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कीटोनोटस। नाउ कम्स द फिफ्थ क्लास, विच इज नोन एज काइनोरिंका, जिसको काइनोरिंका कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। काइनियो मीन्स मोर और रिंकस मीन्स बीक। मरीन माइक्रोस्कोपिक वर्म लाइक फॉर्म्स होते हैं ये। इनमें सुपरफिशियल सेगमेंटेशन बॉडी का दिखाई देता है। बॉडी सरफेस पे स्पाइनी क्यूटिकल होते हैं, परंतु सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनका जो हेड है वो प्रोड्यूसिबल होता है। एक पेयर एडहेसिव ट्यूब होती है, जो फ्रंट पार्ट ऑफ वेंट्रल सरफेस पे पाई जाती है। इनका डेवलपमेंट में सीरीज ऑफ जुबिनाइल स्टेजेस पाई जाती हैं। इनको फिर हमने दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर है होमोलैरिंजियल। होमोलैरिंजियल में हेड और नेक दोनों ही प्रोड्यूसिबल होते हैं। इसका एग्जांपल है ट्रिकाइडेमस। दूसरा ऑर्डर है, जिसको हम कहते हैं साइक्लोरैरिंजियल। साइक्लोरैरिंजियल में ओनली हेड रिंग इज प्रोड्यूसिबल, नेक रिंग प्रोड्यूसिबल नहीं होती है, बाहर को निकली हुई नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है इकाइनोडेरिस। दिस इज ऑल अबाउट फाइलम एस्केलमिंथीज, जिसको हम राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं। थैंक यू।